जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया, देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गया। फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए, बलिदान तुम्हारा ए देश कभी नहीं भूल पाएगा। याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा, देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए। फिर से वीर भारत माँ के तेरे शहीद हो गए, आंखें अभी भी दरवाजे पर राह तक रही होगी। वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी, उस माँ को अब ये कौन जाकर समझाएगा। तू सो जा माँ, तेरा लाल लौट कर कभी नहीं आएगा। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गया, फिर से वीर भारत माँ तेरा शहीद हो गया। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रेश में हनुमानगढ़ के डीबी के रामपुरा गांव के मेजर विकास भांबू वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद की खबर सुन उनकी पत्नी श्रेया और मां बेसुध हो गई। जिले के रामपुरा गांव में शहीद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। शहीद का पूरा परिवार जयपुर में रहता है। शहीद मेजर विकास अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। सुखबीर भामू ने बताया कि मेजर विकास मेरे चाचा का इकलौता बेटा था। उनकी दो बहनें हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। मेजर विकास की शादी श्री गंगानगर जिले के सारदापुरा गांव से हुई थी। शहीद की पत्नी श्रेया चौधरी का परिवार जयपुर में रहता है। दोनों की एक बेटी भी है। शहीद मेजर विकास भांबू अपने पैतृक गाँव पिछले महीने आए थे। शहीद विकास के पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष महरिया के पिए रह चुके हैं। उनके पिता का अक्सर जयपुर सिकर आना जाना रहता था, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ जयपुर में ही रहने लगे। सुखबीर ने बताया कि शहीद विकास सबसे ज्यादा अपनी माँ के करीबी थे। वह अपनी हर बात माँ से शेयर करता था। माँ बेटे में बचपन से बहुत अधिक लगाव था। वहीं पिता भागीरथ भांबू के इकलौते बेटे होने के चलते विकास अपनी बहनों और पिता का भी लाडला था। उन्होंने बताया कि अंतिम बार गांव आया विकास ने दिवाली साथ मिलाकर धूमधाम से मनाने की बात कही थी। सुखबीर बताते हैं कि विकास ने अपनी ज्यादातर पढ़ाई सिकर में रहकर पूरी की। वह पढ़ाई करते समय उनका सिलेक्शन आर्मी लेफ्टिनेंट में हुआ था। उसने 2008 में देहरादून में आर्मी की ट्रेनिंग पूरी की, जिसके बाद 2012 में आर्मी की सर्विस ज्वाइन की। 3 साल में ही विकास आर्मी के फ्लाइंग विंग में शामिल हो गए थे। अगले 2 सालों में ही वह आर्मी में मेजर बन गए थे। वर्तमान में वह मेजर की पोस्ट पर तैनात थे। विकास सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी आर्मी के स्टैंड बाई टीम में शामिल था। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।